जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पूरा कार्यक्रम किया घोषित और किया भारतीय टीम का ऐलान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है, वो मुकाबला आखिरकार कब, कहां और कैसे आप सभी लाइव देख सकोगे, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इस दिन से शुरू होगा IPL 2021 का टूर्नामेंट। 30 मई को खेला जाएगा IPL 2021 का फाइनल मुकाबला। तो आखिरकार दोस्तों IPL 2021 का पूरा शेड्यूल भी आपको यहां पर हम दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा दोहरा झटका, ये दो खिलाड़ी हुए भारतीय टीम में से बाहर। तो दोस्तों इस खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि टीम इंडिया ने चौथा टेस्ट मुकाबला जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लिया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को एक पारी और 25 रन से हराया। तो वहीं पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया की राह मुश्किल लग रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह से तीनों टेस्ट मुकाबले जीतकर 3-1 से इस सीरीज पर कब्जा किया है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड की भी इसी तरह से प्रकच्चे उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि टीम इंडिया की जीत के साथ ही इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लिस्ट में से ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम बाहर हो गया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को मद्देनजर रखते हुए BCCI किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती, क्योंकि अगर फाइनल मुकाबला भारतीय टीम हार गई तो उसके अरमानों पर पूरा पानी फिर जाएगा, जिसके चलते BCCI ने काफी बड़े बड़े अहम फैसले लिए। तो वहीं दोस्तों, बात की जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो टीम इंडिया 12 और वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं। तो वहीं घर में खेली गई सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को 2-0 से मात दी थी और ऐसे में टीम इंडिया इस हार का बदला लेना चाहेगी। तो ऐसे में दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम काफी बड़े बड़े बदले लेते हुए न्यूजीलैंड की टीम से नजर आएगी। तो वहीं हम आपको बताएं कि यह फाइनल मुकाबला 18 जून से लेकर 22 जून तक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा और आप सभी इस मैच का लाइव प्रसारण हॉटस्टार ऐप पर और स्टार स्पोर्ट्स के टीवी चैनलों पर देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि BCCI ने जो फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया उसके बारे में, तो दोस्तों जो भारतीय टीम आप सभी को मैदान पर उतरती हुई नजर आएगी उसमें शामिल होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। तो ऐसे में दोस्तों, ये खिलाड़ी होंगे जो कि आप सभी को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में, आपको क्या लगता है क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इस दिन से शुरू हो सकता है IPL 2021, 30 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की शुरुआत कब से होगी और इसे लेकर क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं अब इसकी तारीख सामने आ गई है और शायद इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से हो सकती है, जबकि फाइनल मुकाबला 30 मई को खेला जा सकता है। तो वहीं हालांकि इन तारीखों का अंतिम फैसला गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में किया जाएगा। तो वहीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में IPL के 14वें सीजन की तारीख, वेन्यू और अन्य बातों को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। वहीं ये मीटिंग अगले सप्ताह आयोजित किए जाने की उम्मीद है। वहीं हम आपको बता दें कि पिछले साल IPL का आयोजन इस महामारी की वजह से UAE में कराया गया था। तो वहीं IPL 2021 के मामले पर ANI से बात करते हुए गवर्निंग काउंसिलिंग के एक सदस्य ने कहा कि इसकी तारीख को लेकर आखिरी फैसला तो बैठक में ही किया जाएगा, लेकिन जो प्रपोजल डेट दी गई है उसके मुताबिक इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से और फाइनल मुकाबला 30 मई को जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों IPL के फैंस के लिए यह काफी बड़ी खुशखबरी है। और बाकी दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि IPL 2021 के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम IPL 2021 का मुकाबला जीतेगी। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मैच
मैच में भारत को पहली पारी में 160 रन की पाए और इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 365 रन अपने 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और 135 रन पर इंग्लैंड की टीम को धराशाही करते से ही भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। तो ऐसे में हालांकि दोस्तों भारतीय टीम ने जरूर इस मुकाबले को तो जीता, लेकिन हम आपको बताएं कि भारतीय टीम की इस जीत से कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है और काफी बड़ा बयान भारतीय टीम को लेकर दिया है। तो आइए चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार बड़े बड़े खिलाड़ियों ने क्या क्या बड़े बड़े रिएक्शन भारतीय टीम को लेकर दिए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो इस लिस्ट में पहला बयान निकल कर आता है वो है हरभजन सिंह का। दोस्तों हरभजन सिंह समेत भारतीय खिलाड़ियों ने तो भारत की टीम की तारीफ करी, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों के बयान जरूर आप जानिएगा। दोस्तों यहां पर हरभजन सिंह कहते हैं कि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 3-1 से टीम इंडिया के लिए शानदार नतीजे, बीसीसीआई खेल स्टाफ सहित टीम के प्रत्येक सदस्य को बधाई, श्रृंखला के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को आगे के खेलों के लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहां पर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो ये। तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की तारीफ करी वीवीएस लक्ष्मण ने भी। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है आकाश चोपड़ा का, जहां पर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत 2020 में हुई थी। अक्सर आपने टीम को इस अंदाज में पहले टेस्ट जीतते हुए नहीं देखा होगा, जो कि बुरी तरीके से बिखर गई हो। लड़ाई, धैर्य, संकल्प, तप, लगन, स्पिन खेलने की क्षमता सभी यहां पर इंग्लैंड की टीम के खत्म हो गए और उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम अब जरूर भारतीय टीम से सबक ले लिया होगा। यहां पर दोस्तों आकाश चोपड़ा ने काफी बढ़िया बात लिखी। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, टीम इंडिया ने महाजीत से बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 143 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी। जी हां दोस्तों, लेफ्ट रविचंद्रन अश्विन को भी 5 विकेट हासिल हुए और इनके शानदार दम पर भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले को अपने नाम किया और इस सीरीज में 3-1 की बढ़त भी हासिल करी और इसी के साथ टीम इंडिया ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, भारत दुनिया की पहली टीम बन गई है जो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती हो। वहीं हम आपको बता दें कि इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद मेजबान ने वापसी करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई थी और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 से 21 तक टेस्ट क्रिकेट में पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली और उसके बाद वापसी करते हुए 2-1 से उस सीरीज को जीता था। 40 साल पुराना ये महारिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बाकी आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ ऐसा वाक्य हुआ जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय कप्तान विराट कोहली जाकर, और यह वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया और बाकी आप दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का, उसको जाकर जरूर देखिएगा और आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।